यस वेरी गुड मॉर्निंग सूर्यांश इज देयर. सूर्यांश आपकी अभी तक नोटबुक नहीं आई मैथ्स की. सूर्यांश इवन वंशिका सो प्लीज सेंड योर नोटबुक टुडे पॉजिटिवली. ऑल ऑफ यू आर सिटिंग ओवर हियर ऑल्सो. चलिए सो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 इज गोइंग ऑन एंड आई थिंक अप टू फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव डन. फिफ्थ का करवा दिया था. एरिया ऑफ द सेगमेंट कैलकुलेशंस करनी है अब अपने आप. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सिक्स्थ क्वेश्चन. लुक एट योर बुक्स. कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट. सो टू थिंग्स वी नीड. वन इज आर. आर इज गिवन टू बी 15 एंड थीटा इज गिवन टू बी 60 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट द फॉर्मूला इज आर स्क्वेयर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू. Replacing the values, this is equal to r square is 15 square. Value of pi, this is 3.14. Theta is 60 over 360 minus sine 60 over 2 cos 60 over 2. This becomes 225, 3.14 over 6 minus sine 30 into cos 30. So this is 225 minus sine 30 is 1 by 2 cos 30 root 3 by 2. So this is 225, 1.07 over 3 minus root 3 by 4. Calculation saasa check karo. 1.07, I did the cutting with 2 stable. Taking the LCM, 12. Okay. 225, 6.28 minus root 3 over 12. And moreover, in the question, value of root 3 is mentioned to be 1.73. When the root value is mentioned, you have to replace. Otherwise, leave it here only. Replace कर दो वैल्यू 1.73. सो दिस इज 225 4.55 ओवर 12. मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर. Multiply these two, divide by 12, and let me know what the answer is. If your calculations are correct, then the answer will be 20 point. I'm writing it just directly. 4375 centimeter square. Root 3 kya? Kiske saath? Hmm.
थ्री आना, सॉरी 2 to 5, 6.28, 5.19. अब देख, राइट, यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मोर ओवर यू वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एज वेल. बट आई टोल्ड यू फ्रॉम द माइनर सेगमेंट हाउ द मेजर सेगमेंट विल बी फाइंड आउट. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. चलिए, सो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस area of minor segment. Circle's area is pi r square. Minor segment comes out to be 20.4375. Pi is 3.14. R square is 15 square minus 20.4375. Calculations you will do yourselves. Right? Let us start with question number 7. Question number 7. Chord of a circle, ये अपने आप करोगे. I'm just giving you the hint. Chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. जहां पे segment लिखा होगा वहां पे क्या निकालोगे? Area of minor segment. If only segment word is mentioned, don't get confused whether we have to find minor or major. It will always be considered as माइनर सेगमेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर हरसिमरन? क्वेश्चन नंबर 7 में आर की वैल्यू क्या है? 12. एंड व्हाट इज थीटा? 120 डिग्री. दिस यू विल डू योरसेल्फ. आई एम प्रोसीडिंग विद क्वेश्चन नंबर 8. अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप. क्या है? एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है जिसकी साइड हमें 15 मीटर दी हुई है. फोर्स को एक कोने के साथ टाई किया गया है एंड द रोप्स लेंथ इज 5 मीटर. जिस रोप के साथ, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी फोर्स बनाने की, जैसा बन गया ठीक है. तो इस फोर्स को ऐसी ड्राइंग है, क्या करूं, 5 मीटर लेंथ रोप के साथ जो है वो टाई किया गया है, राइट. What he says, find the area of the part that the horse can graze. अब एक चीज की तरफ ध्यान दो, ये जो horse है बेचारा, ये अब अगर इस जिस rope के साथ ये tied है, इसको अगर loose छोड़े तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ. But अगर इसको ये tighten up करे तो maximum length कितनी cover कर सकता है? 5 meter. यहाँ पे horse है, 5 meter की length ये cover कर सकता है. क्योंकि अगर इससे ज्यादा कहता है कि मैं इसको खींचने की कोशिश करूं तो रस्सी टूट जाएगी और घोड़ा भाग जाएगा. सो इट कैन एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द रोप टिल 5 meters. और जब इसने 5 meter की लेंथ को एक्सीड किया, यहां तक पहुंचा, तो इसका घूमने का क्या चांसेस हो सकते हैं? ये इधर की तरफ आ सकता है, इधर की तरफ आ सकता है. इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है. तो ये इतना एरिया जो है वो ग्रेस कर लेगा. अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इफ आई कंप्लीट दिस होल सर्कल आउटसाइड, तो यू कैन वेल इमेजिन दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 5 centimeter और जिसका सेंटर ये वाला पॉइंट. एंड हाउ आई नो दैट दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल? बिकॉज 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म. तो जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल सेंटर फॉर्म करे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डायमीटर्स. सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर इट टू बी द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. सो राइट डाउन एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस
where the horse can graze is equal to area of the quadrant, area of the quadrant of the circle of R is equal to 5 meters. Area of the quadrant of the circle of radius 5 meters. Now, what is the area of the quadrant? 1/4 pi r². This is 1/4. Pi ki value mentioned? No mention. Nahi mentioned. 3.14 into r square. That is 5 square. 3.14/4 × 25. Keshav Rikki, tell me the answer. 3.14 × 25/4. Anyone who have solved can have the pleasure to tell me the answer. 3.14/4 × 24 करो कैलकुलेशन. नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव विल बी द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज. अगला नेक्स्ट पार्ट देखो. इफ द इंक्रीज व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, ये जो रस्सी की लेंथ है इसको बढ़ा के 10 मीटर कर दिया. जब रोप की लेंथ 10 मीटर हो जाएगी, इवन देन इट विल बी अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, बट दिस टाइम रेडियस इज 10 मीटर. सो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द रोप हैज बीन इंक्रीज, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. तो आप क्या करोगे, 10 मीटर वाले के साथ भी एरिया फाइंड करोगे, देन यू विल क्या करोगे, सबट्रैक्ट. सो राइट डाउन, इसको आप A1 बोल दो, इस एरिया को माइनस करना आसान हो जाएगा. फिर राइट डाउन A2, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल विद आर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1/4 pi r² 1/4, 3.14 × 15 स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी आर गेटिंग, इसको सॉल्व करके 78 मीटर स्क्वायर. हाँ 10 है, ठीक है. सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया A2 बड़े वाला एरिया माइनस A1, दैट इज 78.5 माइनस 19.625, सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट द आंसर 59.875 मीटर स्क्वायर. So this much is the increase in the area with the increase in the length of the rope. Come to question number 9. Check kar lo, 58.875 or 59.875. 58.875.
Let us do question number 9. Question number 9. Look at the board. Read the statement from the book. A brooch is made up with silver wire in the form of a circle. There is a brooch which is in the form of a circle. Silver wire se bana hua. Diameter of the brooch is 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, each of which divides the circle into 10 equal sector. What he says, brooch ki designing mein kya kiya gaya hai? Ek to outer boundary of the circle and another is 5 diameters. 1, 2, 3, 4 and you can take it to be 5. 5 diameters of the circle designing karne ke liye brooch mein laga diye gaye. Yani ki ek line silver wire ki aise, ek aise, ek aise, ek aise aur ek beech mein. 5 diameters of the circle they are introduced to make the design of the brooch whose, which is circular in shape and whose diameter is 35 mm. Right? He says, find the total length of the wire that has been used to make this brooch. First of all, what is diameter of the brooch? 35 mm. Now you see, when we are making this brooch, where we are using the silver wire? One is the boundary. This is the silver wire. Another is the 5 diameters which lying in the circle. Usme use hone wali silver wire bhi hum use kar rahe hain. So that means to find the total length of the wire which has been used in making this brooch, what we need to do? First of all, find the circumference. Plus kya karenge circumference mein? 5 डायमीटर जो बीच में लगे हुए हैं. ठीक है, आप कोई रिंग देख लो, जब आप रिंग के डायमंड्स का जो है उसका रेट करवाते हो तो सिर्फ जो बाउंड्री पे डायमंड लगे होते हैं उसका रेट नहीं होता, जो बीच में लगे होते हैं उसका भी रेट होता है. तो अगर हम इसमें सिल्वर वायर की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो वी विल यूज नॉट ओनली द बाउंड्री बट ऑल्सो द वायर विच इज यूज टू मेक द इंटीरियर ऑफ द अप्रोच. सो राइट डाउन, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. वैसे यहाँ पे डी है तो आप पाई डी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. दिस इज 2 22 बाय 7, आर इज 35 बाय 2, डायमीटर इज दिस सो रेडियस इज 35 बाय 2. दिस इज द सर्कमफ्रेंस 110. Now write down wire used to make the brooch. Wire used to make the brooch is equal to circumference plus length of 5 diameters. Circumference plus length of 5 diameters. So circumference we are getting it to be 110 mm. Patha likh denge unit. Plus 5 into 1 diameter. 1 diameter is 35. So 5 diameter is 5 into 35. So this will be 185 mm. This is the total length of the wire, silver wire, which should be brought and which should be used to make the brooch of this design. Second part, also find the area of each of the sector. अगर हम इन पोर्शन ऑफ द सर्कल की बात करें आफ्टर दिस डिजाइनिंग, यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट ईच पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर. सेक्टर सेक्टर में क्या होती है? 2 रेडियस एंड 1 आर्क. हर एक पार्ट एक सेक्टर का रोल प्ले कर रहा है. एंड मोर ओवर डायामीटर्स डिवाइड्स द सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स. सो जब आप 5 डायामीटर्स डिवाइड करोगे, यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
द सर्कल विल बी डिवाइडेड इनटू, मैंने मैंने जो डायमीटर बनाया उससे लग नहीं रहा वैसे, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस दैट विद द हेल्प ऑफ, बुक में देखो, विद द हेल्प ऑफ फाइव डायमीटर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवीजन ऑफ फाइव डायमीटर्स, द सर्कल विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल सेक्टर्स, 10 इक्वल सेक्टर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, ईच सेक्टर का एरिया। तो ये बना सेक्टर, माइनर सेक्टर, यू नो टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर व्हाट टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड कीर्ति, थीटा एंड रेडियस। सो व्हाट यू कैन से अबाउट द रेडियस, रेडियस कीर्ति कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें, 35/2। एंगल की बात करें तो ये एंगल है, देखिए जरा एंगल कैसे निकालते हैं, राइट डाउन एस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 इक्वल सेक्टर्स, therefore angle of each sector at center, angle of each angle at sector, देखो जरा ध्यान पे, each sector at center, center का पूरा angle कितना होता है 360, और उसको 10 हिस्सों में बांटा गया, that means 360 over 10, how much degree, 36 degree, this way you are getting theta which comes out to be 36 degree. Now you want to find the area of the sector. So, write down, area of each sector, this is equal to theta by 360 into pi r square. This is the area of the sector. This seems to be easy. Ye bachon ko easy lagta hai. Segment wala mushkil lagta hai. Segment wala koi mushkil nahi hai. R square, pi theta by 360 minus saksham, minus saksham mein hai, r square pi theta by 360 minus, pura karo segment ke area ke formula ko, aap bolo Karthik, minus sine upon 2 cos theta upon 2, saksham bete formula yaad kar lo, chalo values put karo, theta is 36 over 360, pi you can take 22/7, r radius 35/2 into 35/2, solve and get the answer 96.25 centimeter square will be the final answer. Oh sorry, mm square, units are in mm, millimeters. Starting with question number 10. 10th question is, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Umbrella ke hamare paas 4 aage hain to 4 piche hain, 3 dimensional I can't make as it is 2D blackboard. So, 4 ribs piche hain, 4 ribs aage hain. You can imagine, right? So, he says that umbrella is having 8 ribs, assuming that umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area the two between the two consecutive ribs of the umbrella. Kya kiya? Umbrella ko ka jo center point hota hai upar, jiske saath ye humari jo umbrella ki holding stick lagi hoti hai, usko aapne aise pakda, smarth, और फ्लैट कर दिया, अम्ब्रेला टूट गई, क्या फायदा हुआ, सर्कल बन गया, नुकसान हो गया, है ना? तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अम्ब्रेला टूट जाएगा और आपके पास एक फ्लैट सरफेस आ जाएगा लाइक दिस, सर्कल के शेप में, एक्चुअली इट इज इन द शेप ऑफ सर्कल। अब घर जाके अपना अम्ब्रेला कोई किसी ने तोड़ना नहीं है, वी आर जस्ट इमेजिनिंग इट, ठीक है दिलप्रीत, है ही नहीं, चलो, बट वी वांट टू फाइंड द एरिया
बिटवीन द टू कंजेक्टिव रिब्स, ये रिब्स हैं, लाइंस हैं, दो कंजेक्टिव रिब्स आप कोई भी ले लो, मान लो मैंने ये वाली और ये वाली रिब ली, इनके बीच का एरिया, दिस विल बी दिस एरिया, एंड कैन यू टेल मी दैट दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल. So to find the area between two consecutive ribs, we have to find the area of the minor sector with radius 45 centimeter. Because it becomes a circle of radius. जब आपने इसको flat कर दिया, it becomes a circle of radius 45 centimeter. What about theta, Simarpreet Singh ji? देखते हैं जरा, आइए. S umbrella is divided as umbrella is divided into eight equal sector. और आपने देखा होगा अम्ब्रेला में जो ऐसे डिजाइनिंग होती है वहां पे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो सेम मतलब मेजरमेंट्स के होते हैं. सो अम्ब्रेला इज डिवाइडेड इंटू एट इक्वल सेक्टर्स, देयरफॉर एंगल made by each sector at the center. See, what is this total angle? 360. We want to divide this 360 in how many parts? 8 parts. This is equal to 360 over 8. 45 degrees. यहाँ पे bracket में theta mark. Now, area between two consecutive ribs is equal to area of minor sector with R is equal to 45 and theta is equal to 45 degree. R is with you, theta is with you, you can find the area of the minor sector. Laksh, kya formula aata hai minor sector ke area ka? Into kaun sa chapter chal raha hai? Name kya hai? Area related to circle. So theta by 360 into circle ka area, pi r square. So what is the formula? Theta by 360 into pi r square. Use the formula, replace the value of r as well as theta, get the answer which will give you the area between two consecutive ribs. This is equal to theta upon 360 into pi r square. Replacing theta by 45, pi by 22 by 7 and r by 45 each, you'll get the answer. Centimeter square. Dilpreet, no unwanted comment in the class. Chali. Question number 11. A car has two wipers which do not overlap each other. Two wipers of the car. Car ke front mirror pe, you know that the wipers are there, which are very helpful in the rainy season, right? So wipers, they are having blades and each wiper has a blade of length 25 centimeter. थोड़ा सा इसको छोटा करके बनाते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं. 35 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ द ब्लेड है वाइपर की एंड इट इज गिवन. बच्चे लुक एट योर बुक्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर. हां जी विनीत एंड रिंदा, लुक एट योर बुक्स. Yes. So length of the blade is 25 centimeters. Sorry.
This can sweep through an angle of 115 degree. What it means to say, wiper ने जब इसको क्लीन करना है सरफेस ऑफ द कार, फ्रंट सरफेस ऑफ द कार, ये वाइपर ऐसे ऐसे मूव करेगा, धीरे धीरे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा यहाँ पे, और मैक्सिमम कितने डिग्री एंगल तक आगे इंक्रीज कर सकता है, 115 डिग्री. अगर इससे ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है तो टूट जाएगा, फिर से नुकसान हो जाएगा. ठीक है, सो मैक्सिमम एंगल एट विच द वाइपर कैन क्लीन द सरफेस, फ्रंट सरफेस ऑफ द कार, दैट इज इक्वल टू 115. और आपको पता है कि जब ये सरफेस ऑफ द कार को क्लीन कर रहा होता है, तो जिस सरफेस, जितनी रेडियस के साथ, जितनी लेंथ के साथ ये मूव कर रहा होता है, वो सारी लेंथ की, सो सारी की सारी लेंथ वाटर रिमूव कर देता है वहां से. तो अगेन यू कैन सी द शेप, व्हाट इट बिकम्स, सेक्टर ऑफ सेमी सर्कल. लो जी, अब बताना जरा क्या है. दिस बिकम्स द सेक्टर ऑफ द, सेक्टर ऑफ द सर्कल विद थीटा 115 एंड रेडियस. बस द मैटर सॉर्टेड आउट. थीटा आ गया, रेडियस आ गया, तो समर्थ जी कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला माइनर सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो राइट डाउन एरिया, एरिया क्लीन्ड बाय वन ब्लेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर of theta 115 and radius 25, theta upon 360 into pi r square, theta upon 360 into pi r square. Replacing the values, 115 over 360, pi 22 by 7, r square, that means 25 two times. So, no more cuttings, I think. Karo zara calculation. Haan? Achha, niche 7 bhi hai. Ek. ठीक है, कितना आंसर आ रहा है फॉर वन ब्लेड. सक्षम में है लक्ष्य गुजराल, यू कैन डू कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, इंस्टेड ऑफ लाफिंग. अब तो हंसने का कोई फायदा नहीं है, दांत ही नहीं दिखने, मास्क डाले हुए हैं, इसलिए बेटर है चुप ही रहो. एरिया, हाँ जी केशव लिखिए, आंसर इज अवेटेड, सॉल्व करो. 253 इंटू 625 ओवर 252. वैसे हम कैलकुलेशंस को और इजी थोड़ा कर लें, इसको यहीं पे छोड़ दो. हमें निकालना है एरिया क्लीन्ड बाय टू वाइपर्स. ठीक है, सो एरिया क्लीन्ड बाय टू वाइपर्स, टू ब्लेड्स, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो. जितना भी एक का एरिया आया, गेट इट मल्टीप्लाई बाय, तो नीचे और छोटा नंबर बन जाएगा 126. नाउ यू कैन डू एंड यू कैन गेट द आंसर. दिस वाज द एरिया क्लीन्ड बाय वन ब्लेड. दो ब्लेड है वाइपर्स के, दूसरा ब्लेड यहाँ पे लगा, ऐसे ऐसे घूमते हैं, सबको पता है ना. चलिए, तो टू से मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर इज अवेटेड, 15. एक मिनट, कितना आया कीर्ति? 18158. नीचे 126. तो ये आ रहा है, यही था छोड़ा हुआ पीछे ना.
158125 ओवर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इसको डेसिमल में चेंज करो या ना करो, क्योंकि एमसीक्यूज है। अगर पीछे आंसर की बात नहीं है, अगर तो पीछे आपके एमसीक्यूज का आंसर डेसिमल में है, देन यू डू द डिवीजन। इफ इट इज इन द फ्रैक्शन देन यू कैन लीव इट हियर ओनली। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। अभी भी फर्स्ट रो से बहुत आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12। टू वॉन शिप फॉर अंडर वाटर रोप्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। सपोज दिस इज द अंडरवाटर रोप एरिया। चलिए भी वेल हैज गॉन, विल कंटिन्यू टुमारो। प्लीज सेंड योर नोटबुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। सूर्यांश, अवंशिका, योर नोटबुक्स आर पेंडिंग, राइट? सो प्लीज सेंड एज अर्ली एज पॉसिबल।